यूएसए राष्ट्रपति पद की प्रमुख दावेदारी में भारतीय पहली महिला होंगी तुलसी और कमला। तुलसी 2020 के चुनाव में यूएसए राष्ट्रपति पद की प्रमुख दावेदार और अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली महिला हिंदू भी हैं। तुलसी गावड़ की उम्र महज 37 साल है। अमेरिका में भारतीय मूल की पहली सेंटर कमला हैरिस बेहद जीवट वाली महिला हैं। 54 साल की हैरिस की माँ श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली हैं। ये भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी अमूनन दुनिया के हर देश में है। कुछ देशों में तो ये सत्ता के शिखर तक पहुंच चुके हैं। सब कुछ ठीक चलता रहा तो इस सूची में एक और ऐसे देश का नाम जुड़ सकता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में फरवरी 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दो उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके तार भारत से जुड़े हुए हैं। जानते हैं इन्हीं दो महिलाओं के बारे में कि वो आखिर कौन है। तुलसी 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की प्रमुख दावेदार हैं और अमेरिकी संसद में पहुंचने वाली पहली हिंदू भी हैं। तुलसी गार्डन की उम्र महज 37 साल है और वो यूएसए राष्ट्रपति बनने के दौर में शामिल होकर के लाइमलाइट में आ चुकी हैं। जब तुलसी महज 2 बरस की थी तो उनके पेरेंट्स समोआ से हाईवे आ गए। तुलसी जन्मजात हिंदू नहीं है। गावड़ की माँ कोरल गावड़ ने हाईवे पहुंच करके हिंदू धर्म अपनाया था, जबकि कोरल के पिता माइक गावड़ कैथलिक ही रहे। कोरल के पिता राजनीतिक से जुड़े थे। वे हाईवे के डिस्ट्रिक्ट 20 से डेमोक्रेटिक पार्टी से सीनेट के सदस्य थे। ऐसे में गावड़ को राजनीति की ABCD समझने का मौका घर में ही मिला। जब गावड़ 15 से 16 साल की थी तभी उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ एनजीओ की मदद से लोगों की सेवा शुरू कर दी। तुलसी ने अमेरिका में सबसे युवा निर्वाचित प्रतिनिधि बनने का इतिहास रचा था। तब तुलसी महज 21 साल की थी। तुलसी ने पहले कार्यक्रम में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देते हुए ऐसे कानून बनाए जाने का समर्थन किया जिसमें पवन और सौर ऊर्जा के लिए जरूरी उत्पादों को टैक्स से छूट मिला। दिलचस्प बात यह है कि डेमोक्रेटिक मेंबर बनने के बाद भी उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया और देश की ओर से लड़ी थी। कमला देवी हैरिस राष्ट्रपति चुनाव की भारतीय मूल की पहली महिला उम्मीदवार हैं। अमेरिका में भारतीय मूल की पहली सीनेटर कमला हैरिस बेहद जीवंत वाली महिला हैं। 54 साल की हैरिस की माँ श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली हैं। वे चैन में साइंटिस्ट थी। बाद में श्यामला कैलिफोर्निया में आगे की पढ़ाई के लिए चली गई। कमला के पिता डोनाल्ड हैरिस मूल रूप से जमैका के रहने वाले हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात श्यामला से हुई। बाद में उन्होंने शादी कर ली। 1964 में कमला का जन्म हुआ। वो बचपन से ही अपनी बहन माया हैरिस के साथ हिंदू मंदिर भी जाती थी और चर्च भी। कमला फिलहाल क्रिश्चियन है। जब वो महज 7 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स के बीच तलाक हो गया। माँ श्यामला ने कोर्ट में लड़ाई लड़कर बेटी को साथ रखने का अधिकार हासिल किया। अपनी मम्मी की मजबूत इच्छा शक्ति और अधिकार हासिल करने के उनके जज्बे को देखते हुए वो बड़ी हुई। कमला ने 1989 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हेस्टिंग कॉलेज ऑफ दी ला से 3 साल की क्यूरिस डॉक्टर की डिग्री हासिल की। अगले ही साल वो स्टेट बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया से जुड़ गई। साल 2013 में कमला हैरिस तब अचानक ही लाइमलाइट में आ गई थी जब तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा उनकी खूबसूरती की तारीफ कर मुश्किल में पड़ गए थे। दरअसल ओबामा ने हैरिस की बुद्धिमत्ता के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अमेरिका की सबसे सुंदर अटॉर्नी जनरल बताया था, लेकिन ये उन्हें उल्टा पड़ गया। कमला देवी कैलिफोर्निया से जूनियर यूनाइटेड स्टेट सीनेटर हैं। इससे पहले वो कैलिफोर्निया की 32वीं अटॉर्नी जनरल थी। हैरिस ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने की अपनी दावेदारी की घोषणा
मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जयंती पर की। हैरिस का कहना है कि मार्टिन लूथर की जिंदगी से उन्हें प्रेरणा मिलती है, तभी तो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो एजुकेशन के हेल्थ सेंटर पर खास तौर पर ध्यान देना चाहती हैं, वो बेहतर समाज और खुले विश्वास की पैरवी करती हैं, तभी तो वो मेडिकल उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स की सबसे बड़ी आवाज बनाता है। हैरिस ने अमेरिका के साथ लगने वाली मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की योजना को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त भर्त्सना की और इससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। उन्होंने कहा, हम इस समय दुनिया के इतिहास में एक नए मोड़ पर खड़े हैं। हम यहाँ इसीलिए हैं क्योंकि अमेरिका सपने और अमेरिकी लोकतंत्र पर इस तरह पहले कभी हमला नहीं हुआ। उनकी इस बात ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी। हैरिस ट्रंप की विदेश नीति की मुखर विरोधी कमला हैरिस ने 20,000 समर्थकों के बीच अमेरिका के ऑकलैंड में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की घोषणा की। इन समर्थकों में भारतीय तो थे ही, अमेरिका के मूल निवासियों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी। कमला की अमेरिका अफ्रीकन कम्युनिटी में इतनी अच्छी बैठ है कि यूएसए में लोग उन्हें इंडिया से ज्यादा इसी कम्युनिटी के करीब मानते हैं। ऐसे में माना जाता है कि हैरिस को उन विरोधों का सामना शायद ज्यादा ना करना पड़े जिससे तुलसी गावड को जूझना होगा। ये भी मुमकिन है कि हैरिस अपने इंडियन कनेक्शन को बहुत ज्यादा उभारे ही हैं। बावजूद इसके माना जा रहा है कि भारतीय समुदाय के लोग कमला को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कमला हैरिस के पीछे अनसमर्थक तो हैं ही, उन्हें यूए मीडिया भी काफी पसंद करता है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ओबामा के राष्ट्रपति बने रहने के दौरान मीडिया उन्हें फीमेल ओबामा नाम से पुकारा था। तब यूएसए के ही एक बड़े बिजनेसमैन ने उन्हें फीमेल वर्जन ऑफ द प्रेसिडेंट कहा था। वे उपनेम उनके लिए चलन में आज हुई है। कुछ हफ्ते पहले कुछ यूएसए में हुए एक ओपिनियन पोल में ये बात सामने आई कि अगर फौरन चुनाव हो जाए तो कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ सकती हैं। कमला की लोकप्रियता को इससे भी अंका जा सकता है कि साल 2020 के लिए अपनी राष्ट्रपति पद की दावेदारी की घोषणा करने के 24 घंटे के भीतर उन्होंने $15 लाख का फंड जुटा लिया। हालांकि इन सब के बावजूद चुनौतियां बहुत हैं और देखना भी होगा कमला उन चुनौतियों से कैसे निपटती हैं।